What's up, gamers? आप देख रहे हैं गैनी 2.0 और मैं हूं आपकी फेवरेट होस्ट, एक और दिन न्यूज। हाँ, आई नो, जब मैं बोलता हूँ कुछ नया करेंगे, बैक टू बैक न्यूज पे ही आ जाते हैं हम लोग क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी होती है हमेशा। क्या करता हूँ, मेरे को कुछ नहीं आइडिया, बट मैं हमेशा लेट चल रहा होता हूँ। तो इससे पहले न्यूज शुरू करें और सुनाओ, सब बढ़िया? नहीं, कहाँ से बढ़िया, बहुत डेली हक के जाते हो कमेंट में। मतलब जिस दिन ये मतलब एंगल शुरू किया था भाई, नया कैमरा, नया एंगल, कुछ नया नहीं है, सब पुराना यूज कर रहा हूँ, शुद्ध गरीब मैं। कुछ दिन पहले तक ये था कि हाँ भाई साहब बहुत बढ़िया लग रहा है, कल की वीडियो का कमेंट भाई पुराने वाले एरिया में आ जा। मतलब वो एरिया नहीं हुआ, वो तुम्हारी एक्स होगी, उसकी यादों से निकल ही नहीं पा रहे हो। अबे माइक्रो पिपिक मत बनो, डैंग बनो, लाइक करो वीडियो को। मैं मजाक भी नहीं कर रहा, मैं लोगों से परेशान हो चुका हूँ। एक्चुअली मैं भी लोगों को बहुत परेशान करता हूँ। मतलब कुछ दिन पहले ना मैंने खाना नहीं खाया रात में, तो मम्मी ने पूछा ए खाना क्यों नहीं खाया, मैं कहा भूख नहीं लगी थी। अरे कुछ खा लिया कर, थोड़ा बहुत ही खा लिया कर। परसों रात मैंने कम खाया तो मम्मी अगले दिन बोलती ये तू खाता ही नहीं कुछ। मैं कहा ठीक है, कल रात मैंने फिर नहीं खाया, आज मम्मी मुझे देख रही घूर के। मैं कहा देखो आपने बोला था कुछ खा लिया कर, जब मैं कुछ खाता हूँ तो फिर बोलती हो कुछ खाता ही नहीं है। तो फिर मैं कहा मेरे पे रहने देते हैं। पता नहीं क्यों मुझे लगा ये फनी होगा, आज अब नहीं लग रहा। अपना ही काट लिया मैंने बे। बट एक बात नोटिस करने वाली है इसमें कि मैं बिना खाए इतना हक के चला जाता हूँ ऑनलाइन, सही बात है। पता आज मुझे ना स्टोरी सुनानी थी तुम्हें, बट अगेन मैं लेट चल रहा हूँ तो फिर इसलिए हम न्यूज़ कर रहे हैं। और मेरे पास 3 हॉरर स्टोरीज है और तुम्हें से बहुत सारे लोगों को पसंद है मेरे सपने टाइप और मेरी कहानियाँ, मेरी जिस वजह से मैं कहानी बताता हूँ। सो मे बी किसी दिन करेंगे। और हॉरर स्टोरीज और इंटरेस्टिंग मतलब शॉर्ट हॉरर स्टोरीज है जो मेरी नहीं है, ऑनलाइन की है। सो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो लीव अ लाइक, और लाइक कर रहे हो, और अगर तुम नए हो तुम देख सकते हो मिलियन सब्सक्राइबर के कितने क्लोज आ चुके, ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके हैं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बाकी अभी के साथ में जिंदगी बर्बाद करेंगे, मैं मजाक नहीं कर रहा, देख लो ना अभी तक मैंने क्या किया, लाइक की भीख मांगी है बस। उल्टी सीधी बातें कर रहा हूँ और तुम मस्ती से देख भी रहे हो, जिंदगी नहीं है तुम्हारी क्योंकि बंदी नहीं है ना जिंदगी में। और ये लड़की की ना मिलने की डेस्परेशन बढ़ती जा रही है, जिसका फायदा ना ये बड़े बुजुर्ग उठा रहे हैं। अगर भी बंदी पता क्या हुआ, इस में 36 साल का लौंडा था, वो इतना डेस्परेट हुआ कि उसने 81-year-old ग्रैंड मॉम को पटा लिया और शादी भी मना दी। और गलती से तुम्हें लग रहा है ना मजाक करो, ना ये रियल स्टोरी है, 36 साल के बंदे ने 81 साल की औरत से शादी कर ली। और अगर तुम्हें लग रहा है ये रियल स्टोरी होने के बाद ओ माय गॉड ट्रू लव है, तो नहीं ये भी नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता। मतलब लिखा तो है कि ट्रू लव है, चल बे बंदा इजिप्ट से, बंदी इंग्लैंड से है, हमें भी पता क्यों करी है, नहीं पता तुम्हें? अरे पता है तुम्हें, सोचो सोचो, इजिप्ट से लंदन, मतलब इजिप्ट की लड़कियां देखी तुमने कभी? अबे जाके गूगल सर्च करो, इजिप्ट से बंदा लंदन अपना लंदन करने नहीं जाएगा, वो भी 81 साल के लिए, उसे कुछ चाहिए होगा, सिटीजनशिप। कौन बोला? मैं नहीं बोला बे। बट कुछ भी हो, जो भी है, हम गुड लक विश करते हैं क्योंकि हमारे साथ सिर्फ अपना हाथ है, और जिनके पास बीवी है वो साले अफेयर चला रहे हैं। अबे निर्लज दुर्लभ, क्या हरामी लोग हैं यार इंडिया में। मतलब यूपी से कहानी आई है, यहाँ पे डोसा खाने के चक्कर में बंदी ने पुलिस बुला ली, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में ये रियल स्टोरी है। बस ट्विस्ट इतना है कि वो डोसा अपनी बीवी के साथ नहीं, अपनी साइड वाली चिक के साथ खा रहा था और बीवी ने पकड़ लिया। अब मुझे गुस्सा लड़कों पे नहीं आता, मुझे गुस्सा लड़कियों पे आता है, हम मर गए जो शादीशुदा के साथ तुम्हें जाना होता है, क्या हरामी औरत है। हम इतने एफर्ट्स मारते हैं बंदी को खुश करने के लिए, हमें फ्रेंड जोन, शादीशुदा, दूसरे का घर तोड़वाना तुमने, अबे घर बसाने में बिलीव करो मेरा, कॉल मी, नहीं चल। क्या वीडियो बना रहा हूँ, क्यों देख रहे हो, मैं खुद एंजॉय नहीं कर रहा, एक्चुअली मैं तो कर रहा हूँ, तुम्हारा पता नहीं मुझे। और भाई साहब अगर तुम उन बंदे में सुनो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है, राठौर साहब ये गुना है, 300 गुना है, 400 गुना है, बट बहुत बड़ा गुना है। अबे यार बंदी तेरे लिए अपना घर छोड़ के आई, खुशी खुशी छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए करके तेरे साथ अपना घर बसा, तेरा घर बसाती, अपना तो उसका था ही पहले से, तेरी जिंदगी सुधारती, और तुम ऐसे ये अच्छा सिला दिया उसके प्यार का, ये करते हो हरामी लोग। मैं डांट तो तुम ऐसे रहूं जैसे तुमने ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया और तुम्हारी बीवी ने तुम्हें पकड़ा, साले तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड भी नहीं, मैं तुम्हें बीवी और एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड के लिए डांट रहा हूँ, क्यों, व्हाई? सो अगर तुम लड़के हो प्लीज डोंट चीट, और अगर तुम लड़के हो तो शादीशुदा आदमी के साथ घूमना बंद करो। अगर तुम्हें लग रहा है ना वो तुम्हारे चलते मैं अपनी बीवी को डिवोर्स दे देगा जस्ट बिकॉज वो बोल रहा है, तो आप अपना हुतिया काट रहे हैं, उसका नहीं, उसे तो फेवर मिल रहा है। ओहो, एक तरफ है घर वाली, एक तरफ वो वाले सीन हो रहा तुम्हारे साथ, कोई रीजन है ना, बड़े बुजुर्गों ने कहा है हर आदमी कुत्ता होता है, समझो उस चीज को, इसी रीजन से कहा होगा, और कुत्ता नहीं होता हरामी होता है, और हमसे बड़ा हरामी पता कौन है, बीबीसी वाले। अबे पॉर्न कैटेगरी की बात नहीं कर रहा साले, जो न्यूज वाले हैं अभी सालों ने कोई न्यूज छापी इंडिया की और कश्मीर को काउंट ही नहीं किया इंडिया का पार्ट, बस फिर क्या था, कुछ लोगों ने नोटिस किया बीबीसी इंडिया की, फिर जी फाड़ दी
हरामी क्या न्यूज बोलेगा रे, क्या न्यूज बोलेगा। यूजी में बैठा रखा हमने उनको, तू उसको कहाँ कहाँ के लिए छोड़ दिया उनको बे। कश्मीर में बैठो एक बंदा बैठो भैया, टू जी पे देख रहा हूँ, थोड़ी सी तारीफ तो कर दे। अबे तारीफ ही कर रहा हूँ साले। तो जब ये बवाल मचाना तो फिर बाद में उनके जो हेड है उन्होंने अपॉलॉजी दे दी। बट मैं इसका क्या करूँ, मैं अपनी जी में डालूँ साले। इतनी बड़ी इतनी पुरानी पब्लिकेशन है तुम्हारी, तुम ऐसे सिले में चेक कैसे कर सकते हो। बट एटलीस्ट इस बार उनको पढ़े लिखे लोग गालियां दे रहे थे ऑनलाइन तो उनकी किस्मत अच्छी है, क्योंकि अगर भक्त लोग होते तो फिर तो भाई ऑफिस टूट रहा होता तुम्हारा। सही बता रहा हूँ, मजाक भी नहीं कर रहा। अबे ये वो लोग हैं जो गोबर खाते हैं यार, मैं सही कह रहा हूँ, ये गोबर खा सकते हैं अब यकीन नहीं मेरी बात पे। मतलब अमेज़न पे जाओगे ना तो गोबर बिकता है, तो वहां पे एक बंदे का रिव्यू पड़ा हुआ है, इट टेस्टेड वेरी बैड व्हेन आई एट इट। अबे गोबर खा रहा है वो, गोबर गोबर तो अच्छा कहाँ से होगा, टट्टी खा ले अपनी। मतलब गोबर खाने के बाद लूज मोशन होते हैं, पता चल गया तुम्हें खाने की जरूरत नहीं, तुम लाइक करो सब्सक्राइब करो। ये न्यूज एक्चुअली सबूत है कि इंडिया में 50-50 पे बटा हुआ है, एक जो स्पेस में जाना चाहते हैं, दूसरा गोबर खाना चाहते हैं। सही बात है। और यहीं पे हैं, बात करें तो राजू श्रीवास्तव की बात कर लेते हैं। राजू श्रीवास्तव के बारे में बात नहीं की थी हमने, अरे कल की है इसलिए मैंने, बट फिर वो सेट नहीं हो रहा था हटा दिया मैंने। राजू श्रीवास्तव में मालूम है, उसने अभी एक रिसेंटली वीडियो डाली है जहां पे वो तांडव के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है कि मेरे को एक्चुअली लग रहा है वो कॉमेडी कर रहा था, बट फिर भी लोग ऑफेंड हो गए इस बात पे कि ये तांडव में ये हमारे भगवान के ऊपर क्यों करते हैं, मोहम्मद के ऊपर क्यों नहीं करते, गला कट जाएगा। बस इसने ये बोला और ऑनलाइन जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने भी जी फाड़ दी। द लास्ट चैलेंज में उसने भगवानों के ऊपर जो किया हुआ है, और ऐसी 2-3 क्लिप आ गई जहां पे वो राधे कृष्ण भगवान का मजाक उड़ा रहे हैं कि इतने सारे भगवान होते हैं उनका मजाक उड़ा रहे हैं। बेसिकली राजेश श्रीवास्तव की सारी सबूत सामने आने के बाद ना सबके अंदर से मोदी जी निकले हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। देखो अगर तुम्हें इस सेक्शन के किसी भी पार्ट पे बुरा लगा ना, तो मैं तुम्हें सिर्फ कुछ बुरा फील करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं वो समझाना चाह रहा हूँ कि ऑफेंड होने से पहले सारी इन्फॉर्मेशन रख लो कि सही बंदा है कि नहीं है, है? और ये बंदा पास्ट में क्या था और अब क्या कर रहा है। इस टाइम पे इस चीज के साथ बहुत सारे लोग रिलेवेंट होना चाह रहे हैं जो कैंसिल हो चुके हैं, जिनका कोई फ्यूचर नहीं, जिनका पता भी नहीं था, तुम्हें वो आ जाते हैं उठ के। मतलब वो अपने गेन के लिए ना तुम्हारे रिलीजन फेथ को यूज कर रहे हैं, और इसलिए इतना जल्दी गुस्सा मत हुआ करो। चीजें देखो, चीजें समझो, उसके बाद तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी रिलीजन ऐसा हेट करना या नफरत करना सिखाता है, क्योंकि इन द एंड वो बात है ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, वही वाली बात कह रहा हूँ। बट अगेन ये मेरे थोड़ा सा लेट में, तुम क्या सोचते हो मैं से मार्केटिंग में कौन है, शेयर मार्केटिंग में ये इन्वेस्टमेंट में जो होती है, तुम्हारे लिए बता रहा हूँ इकोनॉमिक न्यूज। ये अपना नहीं है BSE क्या होता मुझे पता भी नहीं है, बट उसका जो है 50,000 ऊपर चला गया। जिनको नहीं मालूम, मुझे भी कुछ नहीं मालूम, बट मीनिंग ये है कि प्रॉफिट हुई है। ये अमेरिका का दलाल हुआ ना जो बाइडन बन गया वो प्रेसिडेंट, उस चक्कर में बता रहे हैं एक्सपर्ट्स ये हाइक आई है, बहुत सारे फैक्टर इसके अलावा भी। बट वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करते थे, फंड्स में लगे रहते थे उनके दिल से अक्षय कुमार निकला होगा। एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, रातों रात करोड़पति हो गए हम। और मेरे जैसे लोग पक्का ये सोचते होंगे ये पक्का गांजा मार के बैठा है, ये सेंसेक्स पूरा गांजा मार के बैठा है, तभी इतना हाई जा रहा है भाई। इतना हाई कौन जाता है, गब्बर निकल के बोला 50,000 पूरे 50,000 कुछ भी। ये अपना नहीं है ग्रीक, तो उसमें ना अभी वो उसका जो PM है उसको वैक्सीन लग रही थी कोरोना की, तो उसने शर्ट उतार के अपने निप्पल्स दिखाते हुए शॉट लिया और वो फोटो संभव ऑनलाइन आ गई, और ग्रीस वाले पागल हो गए, बाहर फॉरेन के लोग पागल हो गए। ओहो यम्मी क्या हॉटी है, अबे वायरल जा रही उसकी फोटो, मैं पूरा नंगा होके नाचा हुआ हूं, आज तक वायरल नहीं हुआ। सच में यार जिंदगी बर्बाद हो गया। अब मैं ये नहीं कह रहा बेकार दिखता है, वो अच्छा दिखता है, गुड लुकिंग है, एक्चुअली फिल्म एक्टर लग रहा है मुझे देखने में, बट इसके चक्कर में बंदा फिट भी है, बट इसके चक्कर में बंदा इंटेलिजेंट भी है, बट इसके चक्कर में मैं भी दिखा दूं क्या। सही है यार जिंदगी बर्बाद हो गया। बच छोड़ो अपने को क्या, हम तो डेली वीडियो डालने वाले हैं, न्यूज बताने वाले हैं इधर उधर की फालतू, और तुम्हारा टाइम बर्बाद करने वाले हैं। सो इसी खुशी में लाइक कर देना, और मैं तुमसे कल तब अगली।